ये डे टू आज हमारे ट्रिप का। आज हम लोग जो आइटनरी रहेगी उसके अंदर में हम लोग एक जाएंगे विलेज में मुक्तेश्वर के, उसके बाद जाएंगे हम जो मुक्तेश्वर के अंदर में एक वाटरफॉल है। प्रवीण सर मैं रेडी हो चुके हैं, जे हमारे सारे बस में जा चुके हैं। ब्लॉग मैंने अपलोड पे लगाया हुआ है, यहाँ पे नेटवर्क इशू है तो नॉर्मली आपको इंस्टा और वैसे वो चलाना है ठीक है, लेकिन 8 GB की एक मेरे को फाइल जो है वो अपलोड करनी है यूट्यूब पे, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही है अपने को। काफी देर से लगाऊ, सुबह का उठा पड़ा हूँ, रात को भी लेट सोया था एडिट करके, लेकिन नेटवर्क इश्यूज की वजह से जो है ना वीडियो थोड़े से लेट होगा। हम लोग जो है दूसरी प्रॉपर्टी में स्टे किया है हम लोगों ने, हमारे साथ में कुछ 15 बच्चे हैं। रात के टाइम पे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी में स्टे करने के लिए आए थे, अब जा रहे हैं हम मेन प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी है शांति से भरी, चिड़ियाओं की आवाज आ रही होगी आपको, हमारा प्यारा उत्तराखंड। सुबह सुबह सीढ़ियां चढ़ते हुए गाँव का क्या नाम है दादा? नवीन सुनकिया। आपका क्या नाम है? मेरा जगदीश बिस्ट है। जगदीश बिस्ट भाई हमारे साथ में, जो आज हम आपको गाँव पे लेके चलेंगे है ना। और उसके बाद जो ये वाटरफॉल है इसका क्या नाम है जो ये मुक्तेश्वर का? भालूगढ़ भालूगढ़ वाटरफॉल भी चलेंगे फिर उसके बाद। हम लोग हमारा विलेज विजिट है ना, उसके अंदर में थोड़ा बहुत हमारे जो बच्चे हैं बेसिकली आज वो कुकिंग वुकिंग करेंगे वहाँ पे, जो लोकल्स हैं उन लोगों के साथ में बैठ के सारी चीज आपको दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर में, बने रहना। हाँ जी बॉयज गुड मॉर्निंग भाई, सारे के सारे फुल एनर्जी के साथ में बैठे हुए। चलिए तो आज का आइटनरी पता आप लोगों को क्या करना, हम लोगों ने क्या है पहुंच गए, सारे के सारे रेडी हैं, नीला मैम भी रेडी है भाई। यहाँ पे बॉयज कुक करेंगे और गर्ल्स प्लोइंग ऑफ द फील्ड करेंगे। मैं बनाऊंगा आज का खाना, पहले अपना खाना बनाएंगे, आलू की सब्जी और रोटियां बनाएगा। मैं भी ये सूत्रधार सब बना ही रहे, अपना अपना आधा किलो चिकन ले गया था रास्ते में से अपने लिए, चिकन नॉट अलाउड वेजिटेरियन ठीक है। तो यार बसेस हैं, ब्रीफिंग चल रही है अभी हमारे बच्चों की, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के अंदर में डिवाइड करेंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, सबको अपना अपना टास्क मिलेगा, वो बच्चे वो टास्क करेंगे, ये सारी चीजें अभी आपको दिखाएंगे। कैसी है, वॉमिटिंग करी तूने? ओहो यार मैं गलत बच्चे के पास आ गया, अब तो नहीं करेगी दोबारा से एक ग्रुप हमारा आगे वाले विलेज के अंदर में, सेकंड ग्रुप हमारा यहाँ पर आ गया है, सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, देखो चेहरे पे कितनी मुस्कान है सबके यार। अगर आप विलेज में जा रहे हैं तो विलेज का कल्चर है, यहाँ की कठिनाइयां है, यहाँ की समस्याएं अलग है, जिनको की आसानी से हल नहीं किया जा सकता, उनको आप तब समझ पाएंगे जब आप उनसे रूबरू होंगे। यानी कि आप जब गांव में जाएंगे तो उनको देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा पहाड़ में कुछ अच्छाइयां भी है तो समस्याएं कितनी। ओके तो यार गाइस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ग्रुप्स की और हमारे बच्चे जो हैं वो ऊपर जाने लग गए सारे के सारे, और अब हमारे टीचर्स भी निकल रहे हैं, प्रवीण सर और मैं भी ऊपर जा रहे हैं। तो यार प्रवीण सर तो स्टार्ट हो गए यहाँ के बगीचे से, है आड़ू यार यहाँ पे ये फार्मिंग होती है, इनके फ्रूट जिनकी भी बात कर रहे थे, खुमानी हो गया, पल हो गया। जी गर्ल्स बड़ी जल्दी थक गए आप लोग, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। ओ कोई सहाना तो पानी पी ले चलो बेटा अपने अपने ग्रुप में सारे के सारे, चलो 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 वेरी गुड, फुल एक्साइटमेंट के साथ में शाबाश बेटा। आधे बच्चे जो हैं दूसरे घर में जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे यहाँ पर हैं। हेलो गाइस, गांव में आपका स्वागत है। हेलो। तो यार बच्चे हमारे किचन में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? अरे बहुत बढ़िया शाबाश, सचिव में एक बार इधर दिखाना सचिव, चलो बहुत बढ़िया। और गाइस तुम लोग हंस रहे हो यहाँ पे खड़े होके हैं, दीदी इनको भी काम पे लगाओ, ये तुम लड़ाई मत करो, तुम अपना काम करो, उनका भी देख लेंगे, गाय साफ करने के लिए जाएंगे लोग। शाबाश, मटके में डाल के, अरे मटके में डाल के लिया ना वो। बहुत अच्छा गुण दिया आटा, और मुझे लग रहा है सूची में फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा। यहाँ पे अभी हमारे बच्चे कर ही रहे हैं, अब दूसरे ग्रुप के पास में चलते हैं, एक बार ही उनका क्या चल रहा है वो भी चेक करते हैं चल के अंदर किचन में। तो यहाँ पे वाला ग्रुप तो भाई काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, आगे वाले ग्रुप के पास चलते हैं। तो भाई हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप है। हेलो गाइस, अच्छा क्या क्या कर रही है भाई तुम लोगों ने, कितना काम खत्म हो गया? नीचे वाले ग्रुप ने भी काफी हद तक कर ही लिया है, आटा वाटा भी गूंथ दिया सुशिम ने, हो गया आटा, हमने भी आटा गूंथ दिया, रोटी बना ली, नहीं अब रोटी बनेंगी, चलो बहुत बढ़िया यार नाइस। तो यार यहाँ पे अभी गेहूं को धूप लग रही है, आ रहा बेटा बातें करने आया है, कुछ काम भी करने आया है, काफी बच्चों का है सर, मैंने सारा आलू काटा है।
नाइस। यहाँ पे रोटी बेलने का काम कौन कर रहा है? अच्छा उसको रोटी दिख भी रही है, पक गई नहीं? बैठ जा रही है, लकड़ी लगाओ। सारे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं भैया, हैं यहाँ पे गाने वाने चला रखे हैं। खाना तो पता नहीं कैसे बनाया हुआ, खैर इन्होंने। चलो भाई जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा बना है, किसने स्टार्ट किया पहले, जल्दी से भैया फीडबैक दे दो एक बारी मुझे। अच्छा बना। चलो बहुत बढ़िया, एंजॉय करो अपनी मील, उसके बाद चलते हैं। भाई ये क्या आवाज है, क्या आवाज है, क्या आवाज है, बहुत बढ़िया भाई। तुम लोगो हो भी क्या? चलो भाई एक बारी टेस्ट करते हैं इसको, है ना। चूल्हे की रोटी है, बढ़िया वाला बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बनाया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एंजॉय करा। कुकिंग काफ़ी बच्चों ने फर्स्ट टाइम करी, कुछ बच्चे थोड़ी बहुत कुकिंग जानते थे और कुछ बच्चे हमारे एक्सपर्ट थे कुकिंग के अंदर में, तो बढ़िया है यार ये सारी सारी चीज़ें। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे लंच करने के लिए, और लंच करेंगे उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वाटरफॉल के लिए। और यार हवा सुन रहे होंगे, मेरे बाल चल रहा होगा, वैसे मेरे बाल हिलते नहीं, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही है और बाल तक हिल रहे हैं। चलो बेटा बस में कैसे एक्सपीरियंस था, कैसे एक्सपीरियंस रहा आज का? कैसे एक्सपीरियंस रहा आज का ऋषा, कैसे एक्सपीरियंस रहा? यार यहाँ पे हमारी गर्ल्स ने नहीं, हमारे बॉयज ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा, जितनी भी एक्टिविटीज थी उसके अंदर में। कैसे एक्सपीरियंस रहा भाई? पहले हमने रोटी बनाई, हाँ? उधर मैंने बहुत गूंदा आटे को, अच्छा? मोस्टली मैंने गूंदा था, अच्छा? बाकी सारे पीछे कई कभी आलू काट रहे थे, सब मिल के काम कर रहे थे, अच्छा? फिर बाद में हमने वहाँ पे चूल्हे पे डंडिया अपने खुद हाथ से तोड़ के लकड़ियों को चूल्हा जलाया, और वहाँ पे खुद अपने आप रोटी को फ्लिप करा। Nice. हमें दीदी जो थी हमारे साथ, वो हमें मदद कर रही थी, सिखा रही थी, अच्छा। पर करा हमने खुद ही। वेरी गुड, मतलब कि प्रोसेस समझ गए ना खाना, हाँ। कैसे बनाना होता, खुद बना सकते दिल्ली जाके? हाँ बना सकते, मैं पहले भी बनाई हुई थी, इसलिए बहुत मेरे बढ़िया, थोड़ा बहुत बढ़िया। अच्छा अपना नाम बता दे एक बार। स्वास्तिक। हाँ स्वास्तिक चोना। स्वास्तिक चोना, वेरी गुड स्वास्तिक। चलो हमने लगा ली अपनी प्लेट यहाँ पे, और हम जाएंगे अभी पेड़ों के नीचे आराम से बैठ के खाना खाएंगे बगीचे के बीच में। तो यार अभी हुआ था हमारा वहाँ पे लंच, और अब सारे सारे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करके, मींस की लंच करके निकल रहे हैं हम लोग वाटरफॉल के लिए। ओके सो फाइनली बच्चे तो हमारे अंदर एंटर कर चुके हैं, और हम लोग पहुँच चुके हैं बालूगढ़ वाटरफॉल में। वाटरफॉल की तरफ जाते हुए हमको 5-7 मिनट तो हो चुका है अभी। अभी जिस समय हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे ढलान है नीचे के लिए, हालत टाइट होगी जब हम लोग वापस आएंगे वहाँ से। इस ट्रैक के आसपास आपको काफ़ी सारे मैगी पॉइंट्स मिलने वाले हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी लोकेशंस बनाई हुई है इन्होंने। तो गाइस फाइनली हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल के पास में, काफ़ी क्राउडेड है, खास खैर 80 बच्चा तो हमारा ही है यहाँ पे अभी। तो भाई यहाँ पर है ये वाटरफॉल, प्रवीण सर पहले पहुँच गए थे भाई यहाँ पे, बाकी ये सारे सारे बच्चे हमारे तैयारी से आए हुए हैं सबके सब, और उसके बाद देखो कौन कौन जाता है अंदर। भाई सारे के सारे हमारे पहलवान रेडी हो गए लोवर के शॉर्ट्स बना के। कैसी वाइब से बेटा यहाँ की? पहले भी आई है जान, कैसी वाइब से बेटा? अभी तक तो अच्छा लग रहा है, बस पानी में जाने के बाद पता चलेगा। वहाँ पे पता नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी हमारे बच्चों की। ठंडा है पानी दादा?
कैसे रहा रणवीर? बहुत अच्छा सर। ईशा बस इसका ये इतनी आवाज़ निकलती है, इसकी आवाज़ तेज निकलती नहीं है। तो यार अभी सारे के सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, मैगी वैगी खाएंगे और कुछ बच्चे चेंज कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे टेंट भी हैं, चार पांच टेंट्स हैं, कुछ वॉशरूम्स हैं ऊपर, तो बच्चे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अभी। तो यार गाइस यहाँ पे चल रहा अभी डीजे नाइट और बॉनफायर, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आके बैठ गए और आधे बच्चे हमारे बैठ गए हैं आईपीएल मैच देखने के लिए, आईपीएल फाइनल। Come on, darling.